फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ रहे थे सर्वनाम के भेद। तो अपन ने पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, तीन भेद पढ़ लिए थे, इसके छह भेद बताए थे। अब अगला है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। दो वस्तुओं के मध्य संबंध से पता चलता है, दो वस्तुओं के बीच में आपस में संबंध बताता है, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा और यह वही मदारी है जो कर आया था। और पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सन जैसे नाम से पता चलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या लेके आए हो, तुम्हें किससे मिलना है, तो ये क्या पर्सन है, तो इसे पर्सनवाचक सर्वनाम। तो अपन कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम से। अपना चौथा टॉपिक है संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो वस्तुओं के बीच संबंध प्रकट करता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वही आदमी है जो कल आया था, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफलता पाएगा। तो ये कहा गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब है अपना पर्सनवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है। पांच नंबर प्रश्न, वाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ये हो गया कहाँ जा रहे हो। फिर अगला है आपको किससे मिलना है, आपको क्या चाहिए, ये सब क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्नों का बोध होते हैं ना, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो ये हो गया अपना पर्सनवाचक सर्वनाम। अब लास्ट पर आपका निजवाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने बताया था कि आप शब्द का, वैसे तो हम क्या करते हैं, आप सबका आदर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, खुद के लिए करते हैं कि मैं अपना आप काम अपने आप करूंगा। तो आप शब्द का प्रयोग अपने खुद के लिए किया जाता है, तो वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। जो सार्वनामिक शब्द स्वयं के बारे में, निजवाचक सर्वनाम जो सार्वनामिक शब्द, सार्वनामिक
सर्वनाम स्वयं के लिए सार्वनामिक शब्द या सार्वनामिक सर्वनाम स्वयं के बारे में बताते हैं। सार्वनामिक सर्वनाम शब्द स्वयं के बारे में बताते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। यानी स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग हो रहा है तो क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया या वह आप ही आया, सोहन अपने आप ही चला गया। सोहन अपने आप ही चला गया। तो ये हो गए अपने सर्वनाम। तो अब अपना टॉपिक अगला है विशेषण किसे कहते हैं। विकारी शब्द में हम पहला संज्ञा बताया था, दूसरा मैंने सर्वनाम बताया था, तीसरा बताया था विशेषण। तो विशेषण क्या है, विशेषण यानी विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन ईमानदार लड़का है, तो मोहन तो क्या हो गया, संज्ञा हो गई। ईमानदार क्या है, उसकी विशेषता है, यानी विशेषण हो गया। तो मोहन ईमानदार लड़का है, तो इसमें मोहन संज्ञा हो गई है और ईमानदार विशेषण हो गया कि उसकी विशेषता है ईमानदार होना। तो और विशेष्य और विशेषण, विशेष्य क्या है संज्ञा और विशेषण उसकी विशेषता। तो ये है अपना विशेषण। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन ईमानदार लड़का है या मोहन ईमानदार है, कैसे भी। तो मोहन क्या है, ये अपनी संज्ञा हो गई और ये क्या है, ये अपना विशेषण हो गया। तो यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। और विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण गुणों के आधार पर, जैसे ईमानदार है और उससे अच्छा है, ये आ जाएंगे। संख्यावाचक में क्या है, संख्यावाचक में आया कि ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, 2 लीटर है, इनमें संख्यावाचक आ जाएगा। फिर परिणाम वाचक, वैसे ही सार्वनामिक। इस तरह से ये चार भेद है, इनको मैं अब करवाती हूं। तो विशेषण के भेद, चार भेद होते हैं। अब नंबर एक गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर दो संख्यावाचक। नंबर तीन परिणामवाचक। और
नंबर चार क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसको सार्वभौमिक भी कहते हैं, सार्वनामिक भी। तो ये तो हो गए इसके भेद। अब अपन इनकी परिभाषा लेते हैं वेदों की, यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष अवस्था आकार रंग का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण, इसमें आ जाए वे विशेषण शब्द जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा के, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण दोष अवस्था आकार रंग आदि, आदि क्या है? आदि के संज्ञा एवं सर्वनाम गुण आकार अवस्था आदि, आदि के बारे में या आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे राम राम बहुत अच्छा लड़का है, या सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। ये क्या है? सुंदर, अच्छा, ये इसकी दोनों की विशेषता बता रहा है। या मोहन का हाथी काला है, मोहन का हाथी काला है, सोहन मोटा है। तो इनमें क्या है, इनकी विशेषता बताई जा रही है सबकी। तो ये हो गया अपना, यानी इसमें सुंदर होने का गुण है, इसका लड़का है काला है, ये क्या है मोटा है, इनकी सबकी विशेषता हो गई। तो यह है गुणवाचक विशेषण। अब अपना आता है दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इसमें है क्या है? संख्याओं का बोध होता है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हैं ने संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। अब ये क्या, संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं अपने। जैसे इसमें लिखो उदाहरण पहले, एक दो लीटर
2 मीटर और 2 किलो कोई भी सामान लेके आए, तो ये इस तरह से है। अब इसके क्या है संख्यावाचक, जैसे सर्वनाम में मैंने 2 बताए थे निश्चित अनिश्चित, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित, अब है निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध होता है संख्याओं का, तो उसको हम कहेंगे निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है कि वह 5 किलो मिठाई लेके आया, वह 3 मीटर कपड़ा लेके आया, 2 लीटर तेल लेके आया है, तो ये तो निश्चित हमें पता है। या हम कह दें कि वह कुछ चीजें लाए, कुछ फल लाए, तो हमें इनकी संख्या पता नहीं है कितना क्या है, तो वो जाएगा अपना अनिश्चित विशेषण संख्यावाचक विशेषण। तो मैं लिखती हूँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पहला भेद था निश्चय वाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण आएगा, निश्चय संख्यावाचक विशेषण ये होगा। अब इसमें है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 5 किलो फल लाया, मोहन 3 लीटर दूध लाता है। तो इसमें देखो इसमें 5 फल तो है लेकिन कितने अपने 5 केजी और दूध वो क्या है 3 लीटर है, तो निश्चित संख्या का पता चल रहा है ना, इसलिए ये निश्चयवाचक हो गया। अब अपना है निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, निश्चयवाचक निश्चय संख्या वाचक विशेषण। इसमें क्या है, इसमें है वे विशेषण शब्द जो संख्याओं का बोध कराते हैं, निश्चित निश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या है वे संख्या शब्द, वे विशेषण शब्द, देखो वे विशेषण शब्द संख्या और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसमें क्या है अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे, उससे उल्टा हो जाएगा। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की अनिश्चित
का पहली सी संख्या का बोध कराते हैं या फिर ऐसे लेडीज निश्चित संख्याओं का बोध नहीं कराते, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चय वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वहां कुछ लोग खड़े हैं, वहां कुछ लोग खड़े हैं, हमें नहीं पता कितने लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कई आदमी घूम रहे हैं, कुछ आदमी घूम रहे हैं, कुछ किताबें राम, कुछ किताबें लाया है, तो दोनों में नहीं पता ना संख्या में, दोनों में नहीं पता, तो ये क्या है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अपन लेते हैं परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण शब्द जिनमें वस्तु के नाप तोल का पता चलता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है अपना परिणाम वाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो वस्तुओं के नाप तोल के बारे में बताते हैं, जो वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के नाप तौल के नाप तौल को बताते हैं उन्हें परिणाम वाचक विशेषण। इसमें भी क्या है अनिश्चित और निश्चित दो प्रकार के होते हैं, जिस तरह से संख्यावाचक था वैसे ही ये भी दो प्रकार के थे, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। इसके दो भेद होते हैं, नंबर एक निश्चित परिणाम वाचक विशेषण और नंबर दो है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ये हो गए। अब इसमें तो क्या है हमें निश्चित पता चलेगा कोई भी चीज लेके आते हैं कि कितनी मात्रा में लेके आए हैं, जैसे वह 2 किलो चीनी लेके आए हैं तो निश्चित मात्रा हो गई है, 3 लीटर लेके आए, और इसमें क्या है कुछ लेके आए, कुछ मीटर कपड़ा लेके आए, कुछ मीटर या थोड़े चावल लेके आए हैं, तो इसमें हमें संख्याओं का या नाप तोल का पता नहीं होता। तो पहले हम लिखते हैं वे निश्चित